देश की सामाजिक समस्याएं सुलझाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम के द्वारा अर्ली स्टेज सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट भी करती हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं आशुतोष कुमार जी। आप जागृति यात्रा के सीईओ हैं। जागृति यात्रा जागृति सेवा संस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 58% जनसंख्या हमारे छोटे जिलों और कस्बों में बसती है। ये संस्थान अपने काम के द्वारा टियर 2 टियर 3 शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को दृढ़ करने का काम करता है। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है पैनल में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद नैन्सी। हमारे साथ आज एक और सोशल एंटरप्रेन्योर भी जुड़े हैं जो बस्तर से बाजार तक नामक संस्थान चलाते हैं। इस स्टार्टअप का मकसद फसल काटने के बाद के नुकसान को कम करना है। ये क्षेत्रीय वनवासियों के साथ काम करते हैं तथा उनकी आजीविका को सहारा देते हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और आज इस पैनल का संचालन एक प्रसिद्ध पत्रकार करेंगे, श्री नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी सीएनबीसी आवास के उप संपादक हैं और वे आर्थिक निवेशों के जानकार भी हैं। नीरज जी, आपका संकल्प में और इस सेशन में बहुत स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस चर्चा को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। शुक्रिया नैन्सी परिचय देने के लिए। और संकल्प में इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमें लैंग्वेज के उस बैरियर को खत्म करना है जो निवेश के रास्ते में, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में बाधा बन रहा है या रूढ़ा बन रहा है या रूट ब्लॉक्स क्रिएट करता है। तो अनुराग जी, आपसे शुरुआत करते हैं इस पूरी चर्चा की। चूंकि जी आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में आप काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनकी ग्रोथ में आप एक तरीके से हिस्सेदार बनते हैं, क्या वास्तव में लैंग्वेज एक बड़ी बाधा के रूप में, एक बड़े बैरियर के रूप में, ऑब्स्टिकल के रूप में सामने दिखती है कि लोगों को ट्रांजैक्ट करने में, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में या फर्दर किसी ऐसे ग्रुप से बात करने में जो उनके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, लैंग्वेज वाकई एक प्रॉब्लम बन जाती है? इसका जवाब मैं हाँ और ना दोनों में दूंगा। ना इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आविष्कार का। आविष्कार जब शुरू हुआ था 20 साल पहले, तो हमारा तो उद्देश्य ही ये था कि हम जाके इन्वेस्टमेंट करें ऐसी एरिया में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो रूरल इंडिया में जो लो इनकम स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ जो बीमारू स्टेट्स बोलते हैं वहां पे, तो ऐसी जगह अगर हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचुरली जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपस में। तो वो तो हमारी शुरुआत से एक सोच थी कि हम ऐसे लोगों को बैक करेंगे और ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ये, और हमारा पर्पज ही यही था कि वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करें तो ये कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि भले ही अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और जो टीम होती है, ज्यादातर जो टीम होती है वो मोस्टली अर्बन सेंटर से आती है, जो कि उतनी फ्लुएंट परहैप्स नहीं होती है, तो उनका भी एक बायस हो जाता है। तो नेचुरली जो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए उसमें एक बाधा तो जरूर बन जाती है। अगर कोई अपने आप को जिस लैंग्वेज में जो सुनने वाला है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक बाधा बन जाती है और एक बायस भी होता है, मैं कहूँगा हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि जो कि मे बी अलग अलग जगहों से है, वो लैंग्वेज से उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो यस, मेरे हिसाब से एक ऑब्स्टिकल तो है जरूर। अनुराग, एक छोटा सा सवाल और। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर, मान लीजिए मैं उसको बायर कहूँ, और जो प्रोडक्ट है जिसका, ये जो एंटरप्रेन्योर है उस सेलर है, तो बायर और सेलर में हिकअप किसकी तरफ से ज्यादा आता है लैंग्वेज को लेकर? मेरे ख्याल से
एक तो मैं ये कहूंगा कि अब जैसे सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं तो उनसे सुनने में मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है जब वो फंड रेज कर रहे हैं। लेकिन एक मेरे ख्याल से ऑल्सो आशुतोष भी यहाँ पे हैं, और जो भी गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी की तरफ काफी काम करते हैं छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ। मेरा अपना मानना है कि ये एक इनहिबिशन रहता है लोगों में कि हम वेंचर कैपिटल ऐसे बंबई बेंगलोर में बैठे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें। एक तो वहीं पे कई लोग अप्रोच ही नहीं करते, तो बेचने वाला पहले तो पहुंचता ही नहीं है क्योंकि एक थोड़ा सा इनहिबिशन रहता है। और दूसरा मैं कहूंगा कि अगर पहुंच जाता है और उसका अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो कई बार हमारी टीम जो कि हो सकता है IIM से पास आउट हो, उसी स्टेज पे बिना बहुत डिटेल में गए हुए वहीं पे वो आगे नहीं बढ़ती विदाउट लुकिंग एट जो मेरिट है उस केस की। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इश्यूज हैं। दोनों तरफ से इशू है। सत्येंद्र जी आप आ जाइए, फिर आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ग्राउंड पे जब हम लोग जाते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जाते हैं वहां पे, जैसा कि अनुराग जी बता भी रहे हैं वहां पे, तो एक आपके पास कुछ प्रोडक्ट है या कोई आपके पास स्कीम है जिसके लिए आप इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, और आपने जो बनाया है वो इतना बढ़िया है कि उसको आराम से कहीं भी सेल किया जा सकता है, उसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने देखी, हम लोग बात भी करते हैं उनसे, कि प्रोडक्ट में इतना दम है कि उसको बेचना आसान हो जाता है, लेकिन चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास ज्यादा है, रियलिटी वहां की ज्यादा है, तो क्या दिक्कत ज्यादा आती है? प्रोडक्ट की वीकनेस, कॉन्फिडेंस, या एक्चुअली बात नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम हो जाती है? जरूर नीरज जी, नमस्ते। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि प्रोडक्ट में वो जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट में वो बात होनी चाहिए कि जो है तो एंटरप्रेनर को या जो प्रोडक्ट जिन्होंने बनाया है उनके मोटिवेशन को बढ़ाए। अगर प्रोडक्ट में वो दम नहीं है या वो क्वालिटी नहीं है, और अगर हम कितना भी अगर उसके बारे में अगर बताए या बोले तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो उनका नीड है, जो उनकी डिमांड है, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पे खरा उतरना चाहिए फर्स्ट। अब बात आती है सेकंड कि आप निगोशिएशन या उसका जो एक्सप्रेशन या कैसे आप उसके सेलेंट फीचर्स को कैसे आप रखते हैं या बताते हैं, तो उसमें भी एक दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट की बातों को आप अपने बायर्स के सामने में रखते हैं। अनटिल एंड अनलेस क्या होता है कि जो बायर्स होता है या जो प्रोडक्ट खरीदता है वो प्रोडक्ट बेचने वाले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको ज़्यादा अनुभव होते हैं। 4 जगह 5 जगह पे भाव पूछना बताना अलग अलग जगह से आता है। तो इसमें बस मेरा एक ही चीज़ रहेगा कि अपने प्रोडक्ट के प्रति अपने में वो चीज बोलो या वो जान बोलो वो आना चाहिए और वो उनके सामने में रखते आना चाहिए। ये मेन ओके। तो मार्केटिंग का पार्ट आपने थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप उसको अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे हैं, और मार्केट करने के लिए एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जो आप जिसको आप बेचते हैं आजकल बहुत ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट है। तो कैसे आप लोग इस चीज को हल करने की कोशिश करते हैं सतेंद्र? हाँ बिल्कुल। तो इसमें हम जरूर एक चीज़ बताएंगे कि सबसे पहली बात होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाते हैं, कहने का मतलब है। तो हम जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं उनके लिए लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है फर्स्ट चीज़। क्यों? कि वो लोकल भाषा भी जानते हैं, स्टेट की लैंग्वेज भी जानते हैं, नेशनल लैंग्वेज जैसे हिंदी वो भी जानते हैं, और टूटी फूटी अंग्रेजी भी जानते हैं। तो वहाँ पे हमें है तो दिक्कत नहीं हुआ है। बट हम जैसे एक बड़ी जगह पे गए थे, तो बड़ी बड़ी जगह पे इन द सेंस कि गेट है, गेट के पास में वो जो उनके गार्ड होते हैं, फिर वो चिट्ठी में लिखना पड़ता है, फिर वो कम्युनिकेशन होता है, फिर उनके जो मैनेजर है वो IIM से पढ़ाई करके आए हुए हैं, वहाँ पे फिर जो होती है वहाँ पे मेन परेशानी मतलब जाती है। तो ऐसा हमारे साथ भी प्रीवियस हुआ है। तो वो अलग अलग उसके खट्टे मीठे एक्सपीरियंस है कि हम कहाँ अब जाना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये चीज़। परफेक्ट। अनुराधा जी, आप से सवाल है मेरा कि बहुत सारे ग्रुप्स में भी लोग अब काम करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में है, वो सिटी के हिसाब से आप सेगमेंट कर सकते हैं, रूरल अर्बन कर सकते हैं, विमेन ग्रुप कर सकते हैं,
या कोई बहुत रिमोट एरिया है जहाँ पे एक स्पेशल क्लास के लोग रहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज वाला, चूंकि आप मल्टीभाषी काम भी कर रही हैं, तो दिक्कतें आपको किस ग्रुप में ज्यादा दिखती है और कौन ग्रुप सबसे ज्यादा सफर करता है, बावजूद इसके कि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल सेट है लेकिन ये लैंग्वेज या मार्केटिंग स्किल नहीं है उसके अंदर, वो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल ज्यादा आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो नीरज जी मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा माना जाता है कि छोटे शहरों में अंग्रेजी एक बड़ी प्रॉब्लम है, सच है, लेकिन बड़े शहरों में भी अंग्रेजी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े शहरों में भी आप पाएंगे, भारत में 90% लोग अंग्रेजी से कंफर्टेबल नहीं है, अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, छोटे शहर के लोग ही सफर करते हैं। 90% आबादी हमारे देश की इस कुंठा से ग्रसित है कि मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं हूँ, ठीक है। और जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि उस कुंठा के चलते वो कोशिश ही नहीं करते कि हम अपने आइडियाज को, हम अपने बिजनेस मॉडल्स को इन्वेस्टर्स के पास लेके जाएं। तो मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, और मेरे खुद के फैमिली सर्कल में मेरे परिवार में ज्यादातर लोग व्यापार में हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हैं, हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन सब चीज़ों के बारे में पता है, जब हम उनको इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें ये दुनिया बड़ी चमकदार लगती है, और उन्हें लगता है कि हम अपने व्यवसाय के, अपने बिजनेस मॉडल्स की चीज़ों को लेके वीसीज के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती। ये उनका बड़ा ही पहला ही जुमला होता है कि बिना अंग्रेजी में बोले वो लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, हमें हमें कुछ नहीं समझेंगे, हमारी बात नहीं समझेंगे से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं बोलते तो उन्हें लगेगा कि ये तो मतलब किसी लायक ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, और मेरे को मतलब मैं सोल्यूशन पे जंप कर रही हूँ, सॉरी, पर मुझे लगता है इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उन सबको पकड़ पकड़ के बोले चलो हम तुम्हें अंग्रेजी सिखाते हैं। अंग्रेजी सीखिए, अच्छी बात है, पर उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है कि वो टैलेंट को मिस आउट कर रहे हैं, वो उस टैलेंट को टैप नहीं कर पा रहे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलता है। मैं अनुराग जी से पूछना चाहूंगी, आपके पास कितने डेक्स आते हैं जो अंग्रेजी में नहीं होते हैं, भारतीय भाषाओं में होते हैं? कितने एफएम्स आते हैं जो हिंदी में लिखे होते हैं, तमिल में लिखे होते हैं? आपने कितनी बार वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम से इनवाइट किया है एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर आप अंग्रेजी में ना भेजना चाहें तो आप अपना डेक मलयालम में भेजिए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस डेक को समझूंगा और आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स दूंगा। तो मुझे लगता है ये एक कॉन्शियस एफर्ट इन्वेस्टर कम्युनिटी से आना पड़ेगा। अगर हम, जब तक हम ये कहते रहेंगे कि भाई हमें तो डेक अंग्रेजी में चाहिए और पिच अंग्रेजी में चाहिए, तब तक हम ग्रास रूट से जुड़े प्रतिभाशाली एंटरप्रेन्योर्स को मिस करते रहेंगे, वो बड़े नहीं हो पाएंगे, और ये विशेष साइकिल चलती रहेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। अनुराधा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो शायद इस पूरी डिबेट का, इस पूरी चर्चा का एक क्रक्स पॉइंट है। हम लोगों ने जब तमाम बिजनेस चैनल्स लॉन्च करने के लिए सोचा, वो भी हिंदी में, आप सोचिए कितना नोवेल आइडिया था कि बिजनेस, शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एबिटा मार्जिन, ये सब हम हिंदी में बताएंगे। सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमने शुरू किया और आप यकीन मानिए कि बहुत एक्सेप्टेंस है। वी आर द लार्जेस्ट इन द कंट्री। आप सारे अंग्रेजी चैनल को जोड़ दीजिए, उससे 4 गुना बड़े हम अकेले हैं। सर, मेरे तो परिवार कहने में, का सेंस सॉरी आप टू इंटरप्ट, मेरे परिवार में आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता और सब व्यापार में है। उसका रीजन भी यही है, शायद आप लोगों की जो समर्थन हम लोगों को मिला है कि आप बहुत दमदार प्रोडक्ट बनाइए अपना और बायर को आने दीजिए, उसकी ज्यादा जरूरत है हमसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास स्किल सेट है और उसको लेना है। तो ये कोशिश होनी चाहिए अनुराग जी, क्योंकि आपकी तरफ कई सारे सवाल अनुराग जी ने कर दिए, तो छोटा जवाब चाहिए कि आप कितने सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में डील करते हैं सारी प्रॉब्लम्स। तो उसका छोटा सा आंसर ये है, 0%। तो इन टर्म्स ऑफ जो अंदर आता है, कोई रीजनल लैंग्वेज में कोई प्रेजेंटेशन बना के हमको नहीं भेजता है। हाँ, बातें जरूर हो जाती है हमारी लोकल लैंग्वेज में। वो इंटरेक्शन जब फेस टू फेस होता है तो कई बार लोकल लैंग्वेजेस में, मैं बोलूँगा इंग्लिश चलती है इंग्लिश, हमारे, लेकिन हाँ जो डेक्स, जो इनिशियल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल नॉन फेस टू फेस होता है, वो तो 100% इंग्लिश में ही आता है। ओके। अंशु जी, आप आ जाइए और इस सवाल को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। एक तो ये प्योरिटी की बात जो है ना, दिमाग से निकाल लेनी चाहिए लोगों को, क्या कि प्योर हिंदी बोलनी है या किंग्स इंग्लिश बोलनी है मुझे, बिल्कुल ब्रिटिश वाली, वो नहीं है।
कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें और सामने वाला उसको अच्छे से समझ ले विदाउट मेजर फॉल्ट कि आप बहुत ही गलत बोल रहे हैं, उसको मतलब ही बदल जाए। तो प्योरिटी वाला ना रखते हुए भी अंशु जी आप आइए, आपसे ही सवाल करूंगा मैं कि लोगों के अंदर ये क्या बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ या मैं किसी बड़ी जगह पर जा रहा हूँ तो मेरे लिए कम्युनिकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे बात करूँ, ये कॉन्फिडेंस क्यों इतना गिर जाता है केवल लैंग्वेज की वजह से? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे ये नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि सत्येंद्र सिंह जी जिनसे आपने बात की वो हमारे इंक्यूबेटी हैं, हम एक इंक्यूबेटर हैं और हम अर्ली स्टेज में सपोर्ट करते हैं जैसे नैन्सी जी ने बताया। एक्चुअली हमारे पास हिंदी स्पीकिंग बहुत कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं मानती हूँ कि रीजनल लैंग्वेजेस वाले नहीं हैं, पर हिंदी में पर ये नहीं है कि बहुत स्मूथ सेलिंग है, तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, वो काम बहुत अच्छा करते हैं। वो जब हमसे बात करते हैं तो हमें उनका इनफैक्ट वो हमारे सबसे डायनेमिक और शायद कॉन्फिडेंस स्पीकर्स हैं। पर मैं ये भी मानती हूँ बात कि जो हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंटली हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या झिझक जाते हैं, वर्सेस अगर वही एक इंग्लिश स्पीकिंग एंटरप्रेन्योर होगा जो झिझक जाएगा, पर क्योंकि हम उसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, हम उसका प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं, तो उन दोनों की तुलना में वो इंग्लिश स्पीकिंग वाला ज्यादा अहेड रहेगा, वो रियलिटी है। पर एटलीस्ट वर्सेस अनुराग, मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ हमारे हर कोहोर्ट में 2 या 3 या 4 हिंदी स्पीकिंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, पर ये नहीं है कि वो स्मूथ सेलिंग है, मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करूंगी। पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक जैसे सत्येंद्र ने बोला, इट इज मोर इम्पोर्टेंट आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं। अंशु मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हिंदी स्पीकिंग या जो लोग हैं जो कि इंग्लिश में 100% कॉन्फिडेंट नहीं है तो उस टाइप के लोग हमें अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे बहुत एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास। मैंने सिंपल बस एक पॉइंटेड क्वेश्चन का जवाब दिया कि जो डेक्स आते हैं हमारे पास वो हिंदी में या तमिल मलयालम वो सब तो हमको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, लेकिन हिंदी तो जरूर पढ़ सकते हैं लेकिन वो वैसे भी नहीं आते। लाइकवाइज हमारे भी कोई रिटन टेक्स्ट सारा इंग्लिश में ही आता है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी इंग्लिश में है, हम भी सिर्फ इंग्लिश के एप्लीकेशंस लेते हैं। एब्सोल्युटली अनुराग, मान लीजिए किसी ने हिंदी में भेजा तो हमारे फॉर्म में अनफॉर्चुनेटली अभी वो इंग्लिश हिंदी का टेक्स्ट है नहीं, बट यू नो जब ये चर्चा शुरू हुई हमने भी बहुत बात की और इसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक तो एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है कि आप हिंदी में टाइप करें वो ऑटो करेक्ट ऑटो इंग्लिश में हो जाएगा, एक तो ये जरूरी हमें भी एक इन्वेस्टमेंट करना है। हम एक एनजीओ है, हमें भी शायद आगे बढ़ के एक टेक्स्ट एडिटर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपने फंडर से मांगना चाहिए ताकि एक वो बाधा कम हो जाए कि अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो हम उसको जरूर पढ़ पाए, समझ पाए और उसका जवाब दे पाए, राइट। और इम्पॉर्टेंट है एक ट्रांसलेटर है जैसे अनुराधा जी बोल काम करते हैं, एक है कॉन्टेक्स्चुअल ट्रांसलेटर। इस बार एक हमारी वर्कशॉप हुई थी, सॉरी मैं थोड़ा इसको अलग दिशा में ले जा रही हूँ, बट हमारी एक वर्कशॉप हुई उसमें हमने एक और संस्था एक नॉलेज पार्टनर है उनके साथ जुड़ा और सारा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत गहराई से रिसर्च किया हुआ कॉन्टेक्स्ट था और प्रेजेंटेशन था। अभी उसमें हमारी एक महिला एंटरप्रेन्योर थी जो एक एनजीओ चलाती है कराटे करके, उनके बच्चे नेशनल स्तर पे भी जाते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने बोला देखिए मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इंग्लिश में टाइप कर रही थी हिंदी के शब्द जो वो पढ़ पा रही थी लाइव, पर मैं 2 घंटे का टेक्स्ट तो नहीं कर सकती थी और मैं भी कुछ कुछ वर्ड्स थे जो मुझे नहीं समझ आते थे। तो हमने फिर एक ट्रांसलेटर को लाया, एक लाइव ट्रांसलेटर जो सिर्फ उनका काम ये था, पर कॉन्टेक्स्ट नहीं था तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाए। सो कैन बी इन्वेस्ट इन कॉन्टेक्स्चुअल ट्रांसलेशन एज अ कम्युनिटी विच विल अलाउ फॉर मोर मीनिंगफुल ट्रांसलेशन जो लिख रहे हैं और वो इस टॉपिक पे ट्रांसलेट होके फॉर्म्स आए और जब हम फीडबैक दें वो उनको उस भाषा में जो उनकी भाषा है उस पे थोड़ा वो गैप कम कर सके। नीरज जी यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, आई एम सॉरी, पर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला अंशु जी और मैं इसी तरफ जाना चाह रही थी कि इन्वेस्टर्स को आज ये बहाना अब छोड़ना पड़ेगा कि हम सिर्फ अंग्रेजी ही समझ पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदी समझ लेंगे। आप इस्तेमाल करिए हम जैसे कंसल्टेंट्स का, और मैं यहाँ पे ओपन बोलना चाहूंगी, मल्टीभाषी
कंप्लीटली सपोर्ट करेगा किसी भी इन्वेस्टर को जो ये बोलना चाहता है कि मैं कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता हूँ मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में. मैं समझ सकती हूँ कि जितने भी इन्वेस्टमेंट आउटफिट्स हैं नीरज जी, वो 5, 6, 10, 15 इससे ज्यादा की टीम नहीं होती है वीसीज के पास, राइट? तो ये हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनके पास 22 भारतीय भाषाओं के लोग होने चाहिए अपनी टीम पर, राइट? लेकिन हम जैसे जितने भी लैंग्वेज कंसल्टेंट्स हैं, और जैसे आपने जिस टूल की बात की अंशु जी, मैं बताना चाहूंगी ऐसे टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. ओपन सोर्स ऐसे बहुत सारे टूल्स है, इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहे आप, हम जैसे मल्टीभाषी जैसे जो भी आप आउटफिट्स यूज करना चाहे, बट एक कॉन्शियस एफर्ट उस दिशा में हमें लगाना होगा मिलकर इकोसिस्टम को, अगर हम ऐसे प्रतिभाशाली एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना चाहते हैं. परफेक्ट. अच्छा, मैं थोड़ी सी साइड लूंगा अनुराधा जी की तरफ, क्योंकि मेरा झुकाव उस साइड में ज्यादा है. मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ और इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ. कंट्री वाइड मैंने ट्रेवल किया है. हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे लोग हिंदी ना समझ पाते हों. ये हो सकता है कि आप तमिल जब वाला व्यक्ति आए तो उसको लोग कम समझें, लेकिन मैंने खुद ट्रेवल किया, साउथ होने बहुत घुमा है, हर जगह लोग हिंदी आराम से समझ लेते हैं. अब समस्या क्या है यहाँ पे इस को लेकर आते हैं, आशुतोष जी आपसे सवाल होगा मेरा. जैसे अभी अनरिलेटेड रेफरेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एक कंपनी है जिसने अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाया और उसने ऑनलाइन बुकिंग की और रिकॉर्ड कायम कर दी और 2 दिन के अंदर 1300 करोड़ रुपए के स्कूटर बेच दिए. हमने उनके मैनेजमेंट से बात की, इंटरव्यू किया उनका, तो मैंने उससे पूछा कि ये जो आपने अपने एक डीलर भी नहीं रखा, कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि हमने कस्टमर की नीड को समझा और स्कूटर बनाया और बेचा. अब देखिए क्रक्स यहाँ पे पकड़ने वाली बात है कि जो सेलर है, जिसको जिसको माल अपना बेचना है या जिसको बाय करना, वो जा रहा है लोगों के पास उनकी नीड को समझने के लिए. तो जो इन्वेस्टर है, अगर वो नहीं जाएगा डीप डाउन, वो नहीं समझेगा वहां पे चीजों को, तो एक्चुअली लॉस में वो रहेगा रादर की जो जिसको प्रोडक्ट बेचना है. आशुतोष जी आप बताइए, क्या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा स्किल सेट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, या बहुत अच्छी चीज वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने इस लैंग्वेज बैरियर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और टेक्निकली साउंड लोग ऐसे हैं? जी नीरज जी धन्यवाद. तो देखिए सबसे पहले तो जो हम जागृति यात्रा करते हैं, जिसमें भी हम हर वर्ष लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं पूरे देश भर में, उसमें भी हमने देखा है कि हमारे जो यात्री आते हैं वो अलग अलग भाषाओं से आते हैं, और इसीलिए 2008 में जब हमने शुरू किया था, पहले दिन से ही हमने हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाओं का स्वागत किया था कि आप इसमें आवेदन पत्र भरिए और जमा कीजिए ताकि आप आ सके. लेकिन उसके बाद भी, उसके अलावा भी, अगर आपको कोई भाषा तमिल है, तेलुगु है, अगर आप वही समझ पा रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, आइए. आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वो मुश्किलें भी आपको खुद ही पार करनी पड़ेंगी. फिर जब आप इस समूह में एक साथ यात्रा कर रहे हैं 500 लोगों के साथ, तो आप उनके साथ जुड़िए और उसको आगे ले जाइए. और दो कहानियां हैं छोटी नीरज जी जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में. एक कहानी 2009 की है और एक कहानी अभी की है, 10 साल के अंतराल की ये कहानियां हैं. पहली कहानी यात्रा से है, जो एक हमारे यात्री थे अमित कटारिया करके, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे थे गुड़गांव में, बिल्कुल हिंदी भाषी, अंग्रेजी से दूर दूर तक उनका कोई पाला नहीं पड़ा था. लेकिन एक समय आया जब उनको निवेश की जरूरत पड़ी. काफी समय उन्होंने खुद से चलाया, लेकिन फिर निवेश की जरूरत पड़ी. अब अंग्रेजी की दुविधा उनको भी आई कि कैसे इसको दूर करें, लेकिन वो एक उद्यमी है, उनको पता है कि अगर इस समस्या भी है मेरे सामने तो मुझे खुद ही इसको इसका निवारण भी ढूंढना पड़ेगा. उन्होंने चट से क्या किया कि एक दूसरे किसी से बात की, जो उनका जो पूरा फॉर्म है, प्रपोजल है, उसको वो अंग्रेजी में उसका वो ट्रांसलेशन कर सके. आइडिया उनका है, काम उनका है, सारी बातचीत उनकी है, बस उनका ट्रांसलेशन उन्होंने कराया और वो जमा किया और उनको वहां से फंडिंग मिल गई. ठीक है, तो जहां तक ये जो एक बहुत ही आरंभिक हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं कि डेक बनाना, ये चीजें करना, इसके काफी सारे सोल्यूशन है, राइट? अगर आप इसको पार कर गए, फिर आप अनुराग जी या अंशु जी जैसे लोगों तक पहुंच गए, तो वहां ये साफ है कि आप हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं और वार्तालाप को आगे ले जा सकते हैं.
तो ये एक है 2009 की कहानी, लेकिन आज की जो एक समस्या, जो अब हम अपने पूर्वांचल जहाँ पे हम एक इंक्यूबेटर चला रहे हैं, गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे, और ये आपने जो अभी उदाहरण दिया नीरज, बिल्कुल वही उदाहरण मेरे पास भी है। हमारे एक उद्यमी है अरविंद राय करके, 12वीं पास है, लेकिन बिल्कुल इनोवेटर वाला उनका दिमाग है, राइट, एक अन्वेषक है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बना दी, पास में देखा कि एक दूध वाला है, उसको दूध के बड़े बड़े वैन्स लेके जाने हैं, कैसे लेके जाएगा। एक किसान है, उसको बड़ी गठरी लेके जानी है, कैसे लेके जाएगा। इन सब चीजों को समझ के उन्होंने काफी बढ़िया स्टर्डी एक बाइक बना दी, इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, और उसको वहां पे उतार दिया। कुशीनगर पास में एक जिला है, उसके डीएम ने देखा कि भाई ये तो खूबसूरत चीज है, मैं इसको कुशीनगर में लगाने को तैयार हूँ, तो उन्होंने वो कर दिया। तो कम से कम इस स्तर तक वो आ चुके हैं, लेकिन अब हाँ, इसके बाद का जो एक फासला है, निवेश तक उनको जो पहुंचना है और उनको पूंजी उठानी है, उसके लिए हाँ एक समस्या है जो वो भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपना पेटेंट कराना है, उनको और रिसर्च करना है, सर्टिफिकेट लेना है, और कहीं ना कहीं ये सारा ज्ञान भी जो है ना, काफी अभी अंग्रेजी में केंद्रित है, वो हिंदी में नहीं आ पाया पूरी तरह से। मतलब काफी प्रयास चल रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन नहीं है। तो वो एक समस्या है ज्ञान की, नॉलेज की, रिसर्च की, वो भी एक बड़ी समस्या है, खासकर इस तरह के टेक्निकल लोगों के लिए जो वो इस लैंग्वेज बैरियर के कारण फेस कर रहे हैं। करेक्ट, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। सत्येंद्र जी, आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो मुझे बताइए। एक संदर्भ मैं और दे देता हूं आप लोगों को। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसने ये देखा कि नॉर्थ इंडिया का मार्केट फाइनेंशियली बहुत लिटरेट नहीं है, अनटैप्ड मार्केट है, और वहां पेनिट्रेशन बहुत कम है। आप देखिए, वेस्ट इंडिया में, साउथ में बहुत ज्यादा लोग मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, लेकिन नॉर्थ में ये कल्चर कम है। उस म्यूचुअल फंड ने अपने यहाँ ऐसे फंड मैनेजर्स रखे, ऐसे मार्केटिंग के लोगों को अपॉइंट किया जो सिर्फ हिंदी में बात करेंगे वहां जाके, क्योंकि जिसको बेचना है उसको नहीं आती अंग्रेजी, और उसको आपकी ये सब बातें समझ में नहीं आती, उसको हिंदी में समझाइए, बेचिए। अब देखिए, यहाँ पे जो क्रक्स है ना, कि जरूरत किसकी है, उस म्यूचुअल फंड हाउस की जरूरत है कि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। वैसे ही एक इन्वेस्टर की जरूरत है जो अपने आप को एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ग्रो करके आगे बड़े बनेगी। तो जरूरत को डिफाइन करना और आगे आना, उसकी भी जरूरत है जिसको अपने लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत उसको है जिसको अपनी पूंजी को बढ़ाना है, एक मल्टी कैप बनने के लिए, या एक बहुत बड़े पी फंड के लिए, एक सीड फंड के लिए ज्यादा जरूरत है, रादर की उस स्किल वाले आदमी के लिए। सतेंद्र जी, एक्सपीरियंस बताइए, आपने जब कभी फंड रेज किया हो, कैसे किया था, क्या क्या दिक्कतें आई थी? जरूर सर, जरूर जरूर, मैं थोड़ा ब्रीफ में जरूर बताना चाहूँगा। और टॉपिक भी भाषा को लेके हैं, और भाषा को हम ऐसे समझते कि भाषा क्या है। आपने जो कहा, हमने जो सुना, आप जो समझे और हम समझ गए, चाहे मैं हिंदी बोलूँ, छत्तीसगढ़ी बोलूँ, मराठी, बस यही भाषा मुझे समझ में आया। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट की, और जैसे अभी आशुतोष जी ने भी बताया कि जो झिझक है एप्लीकेशन, पिच डेक वगैरह का, अंशु जी ने भी बताया, तो वो किस्सा हमारे ऊपर पूरा लागू होता है, हम उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर मैं बोलूँ कि 5 साल पहले मुझे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, वो लैपटॉप, कंप्यूटर चलाना कुछ नहीं आता था, बट वो पर्सन में वो जिद होनी चाहिए, जैसे मराठी में चिकाटी बोलते हैं, हिंदी में जिद्दी या हट्टी होना चाहिए, मुझे करना है, करना है, करना है, तब वो चीज़ें डेवलप होती है अंदर से। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रोसेस ही होता है कि एप्लीकेशन को फिलअप करना है, स्टार्ट करना है। तो वो एक, जैसे आशुतोष जी ने बोला कि एक बार वो यात्राएं चली, फिर है तो उसमें इनक्यूबेशन का रोल आया, जैसे होता है ना कि कुम्हार एक कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है, हमने अप्लाई किया, वो सारा चीज हुआ। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज होता है जो सबसे बड़ा होता है, कि अगर वो चीज नहीं है तो कैपेबिलिटी डेवलप किया जाता है या की जाती है, जिसमें अनलिमिटेड इंडिया का हमारे सोशल एंटरप्राइज में काफ़ी सपोर्ट रहा है। उनके जो मल्टीपल राउंड्स होते हैं, उसमें जो उनके ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, वो फीडबैक देते हैं, क्रिटिकल फीडबैक देते हैं, कैसे आप इसको और इम्प्रूव करोगे और राउंड बाय राउंड जाओगे, ये महत्वपूर्ण होता है। इन्वेस्टमेंट में हमने उपाया सोशल वेंचर से, और टाटा ग्रुप थ्रू IIM CIP से, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उपाया सोशल वेंचर का हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि वो जो चीज़ है या वो जो बात है वो होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा ये पूरे 2 साल की यात्रा में,
कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्वेस्टर इन चीजों को समझते हैं कि रीजनल एंटरप्रेनर कहाँ कैसे आ रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट है, उनके लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, कौन से जियोग्राफी में काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को आगे आना चाहिए कि जो गांव से जो प्रतिभा है उसको खोजे। अगर भारत की बात करें तो करीब करीब 6.5 लाख करीब करीब गांव है और करीब करीब 360,000 करीब पंचायत है। और अगर पूरी इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो रूरल इकोनॉमी है, तो जो डोमेन जो होता है या जो कोर होता है सोशल इंटरप्राइज का या जो एरिया होता है, अब मैं हम लोग गाँव में काम करते हैं, हमारा एआई या टेक्नोलॉजी इससे हमारा उतना बड़ा संबंध या रिसर्च नहीं है, और अगर हम उसमें जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उद्यमी है उसके लिए अवसर है मार्केट में या कहीं पे भी, बस उसको वो चीज़ें निखारते आना चाहिए, उस चीज़ की उसको अवेयरनेस की जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये डिबेट दो हिस्सों में बटती हुई दिख रही है, एक जरूरतमंद है और एक जिसको चाहिए। अब दोनों साथ में आएंगे या किसको ज्यादा पहल करनी चाहिए? अनुराग जी, आप क्योंकि आप ही जो है ना की है आज, तो बताइए कि मतलब किसको ज्यादा बेंड करना चाहिए। ये मैं आपको इच्छा एक और उदाहरण देता हूँ, उससे आपको और इस चर्चा को और समझने में आसानी होगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में, नाम हिंदी है लेकिन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो रोमन में लिखते हैं। डेली सोप के जो आर्टिस्ट हैं या फिल्मों के आर्टिस्ट हैं वो रोमन में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और स्क्रिप्ट रोमन में लिखी गई। कुछ लोग हैं अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी से लोग हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ के वहां से आए हैं जहाँ पे उनको रोमन में ज्यादा ईजी है, लेकिन इंडस्ट्री हिंदी की है। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ कि बहुत सारी फिल्में साउथ की डब होने लगी हिंदी में, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की ओटीटी सीरीज पूरी वो हिंदी में हो गई, एक पूरी डबिंग इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उस इंडस्ट्री में पहले दो चार लोग थे जो अलग अलग वॉइसेस निकाल के डबिंग करते थे, अब वहां पे हजारों लोग काम करते हैं एक एक सीरीज को डब करने में, बहुत बड़ा तो पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो मैंने इस पे लोगों से बात की जो इंडस्ट्री के वेटरन्स थे, तो उनका ये कहना है कि हिंदी इटसेल्फ अ वेरी बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट, और अब जिसको जरूरत है वो जाएगा मार्केट के पास, हिंदी वाले को अब जाके गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल मैं इसीलिए आपके पास लेके आ रहा था कि दो लोग हैं, एक को हिंदी नहीं आती लेकिन उसके पास स्किल है, दूसरे के पास पैसे हैं जिसको लगाने हैं, तो पहल दोनों की होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो किसको ज्यादा पहल की जरूरत आपको लगती है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या हो सकता है। जरूर, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ एक फंड मैनेजर की तरफ से, राइट, कि वो कैसे सोच रहा है, उसके क्या कंपल्शंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी जैसे जो होते हैं हमारे लैंग्वेज में जनरल पार्टनर्स, जीपी, जो फंड चलाते हैं, वो अपना पैसा तो लगाते नहीं है, वो पैसा कहीं और से रेज करते हैं और वो डिप्लॉय करते हैं, उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, 5 साल 10 साल जो भी उसका फंड पीरियड होता है। अब उसको बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं टिपिकली, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमारा जो पिछला फंड था आविष्कार भारत फंड उसका नाम था, उसमें 800 करोड़ का फंड था, हमने टोटल 9 इन्वेस्टमेंट किए उसमें, हमने 2000 कंपनीज से ऊपर कंपनीज देखी और टोटल 9 इन्वेस्टमेंट किए। तो आप समझ सकते हैं कि 0.5% से भी कम जो कंपनीज ने हमने हमको अप्लाई किया, हमने उनको अप्रोच किया या जो हमारे पास आए, और फाइनली सिलेक्शन रेट इज लेस देन 0.5%, राइट। और हर एक फंड जो हम जब हम रेज कर रहे होते हैं वो फंड, उसका एक मैंडेट होता है कि हम ये करने वाले हैं। जैसे हमारा आविष्कार भारत फंड है तो उसमें हम बोल रहे हैं कि हम इंडिया के कोने कोने में इन्वेस्ट करेंगे, जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब एरियाज जो, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें इम्पैक्ट भी होगा और फाइनेंशियल रिटर्न भी बन सकता है, राइट। फाइनली हमको वो पैसा एक लिमिटेड पीरियड में ये इन्वेस्टर्स को वापस रिटर्न करना है। तो हमारा जो कंपटीशन है वो मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी फंड्स के साथ है, क्योंकि जो पैसे दे रहे हैं वो उनके पास ऑप्शन है, वो हमें दें या उनको दें, ठीक है। तो हमको एक फाइनेंशियल रिटर्न भी उस पर जनरेट करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, आप अर्ली स्टेज में जा तो सकते हैं, ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाली कहानी है, अंदर तो जा सकते हैं, उसमें निकलेंगे कैसे, एग्जिट हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है,
राइट, क्योंकि जब आप अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप निकलेंगे उस बिजनेस। तो हमारा सबसे जब घुसने के पहले ही सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि इसमें से निकलेंगे कैसे, क्या ये कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका आईपीओ हो सकता है, क्या ये कंपनी में बार बार इन्वेस्टमेंट होंगे, अगले राउंड का इन्वेस्टर कौन होगा, वो इंडियन होगा कि बाहर का होगा। तो जब आप ये सब चीजें मिला देते हैं तो ऑड्स बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं। कोई लोकल एंटरप्रेन्योर जो ढंग से अपनी बात को कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, उसको पैसे मिलना इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि इसको इसका ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जैसे अनुराधा ने बोला, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं होती क्योंकि हमको तो बहुत लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो आविष्कार की एक इन्वेस्टमेंट टीम करीब 15 लोगों की, और हमारी ऑलरेडी वीसी फंड्स को अगर देखेंगे तो ऑलरेडी सबसे बड़ी टीम होगी शायद। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमारी टीम की कॉम्पोजिशन क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो टीम में ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि ओपन माइंड, कि हम सब तरह के प्रपोजल्स को देखें। आविष्कार क्योंकि इम्पैक्ट फोकस्ड है, क्योंकि फोकस है कि रूरल रिमोट एरियाज में इन्वेस्ट करना है, एक तरह से थोड़ा ओपननेस है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा तो बायस लोगों के दिमाग में है। तो एक तो वो टीम में, वो टीम की कॉम्पोजिशन में, जब हम अपनी टीम में हायर ही कर रहे हैं तो भी हमको देखना। अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू कर रहा था हमारे एक एनालिस्ट लेवल पोजिशन में एक लड़की, हमने कहा कि हमको अपनी टीम में जेंडर बैलेंस भी सही करना है, तो हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि उस पोजिशन में हम किसी महिला को ही हायर करेंगे। अब एप्लीकेशंस हमारे पास मेल ज्यादा है, मैं महिला भी कम है, वो एक्सपीरियंस भी कम है। अब वो लेडी बहुत कैपेबल है, लेकिन वो एक जैसे जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा था वो आईआईटी खड़गपुर और आईएम अहमदाबाद की एजुकेटेड है, लेकिन उसका ओरिजिन वो 12 क्लास तक कर्नूल में पढ़ी हुई, तो उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं थी। तो हमारी टीम ने जो उसने पहले उसका इंटरव्यू किया कि बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हाँ। तो ये अपने दिमाग से हटाना है हमको कि सब्सटेंस है तो क्यों नहीं उसको हायर करें। और वो एक अलग डायमेंशन हमारी टीम में ऐड करती है कि वो एक गांव से उठ के वो इतनी स्मार्ट लड़की है कि वो वहां से उठ के वो आईआईटी क्रैक कर ली, आईएम अहमदाबाद में गई और एक बड़े फंड में काम कर रही है, उसको इंटरेस्ट है इस एरिया में काम करने, इसलिए हमको अप्लाई कर रही है, एक्चुअली आधी सैलरी में अप्लाई कर रही है। तो ऐसे तो पहले तो हमको अपनी टीम में ठीक करना है। दूसरी चीज जो मैंडेट होता है वो फंड का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम तो एक इंटरमीडियरी हैं जो कि कैपिटल डायरेक्टर हैं। जब तक कि वो मैंडेट नहीं होगा स्पेसिफिकली, और इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का भी काफी रोल है, क्योंकि हम लोग काफी काम करते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे असम गवर्नमेंट ने एक एग्री बिजनेस फंड शुरू किया है जो कि सिर्फ असम में इन्वेस्ट करे, तो उसका फोकस ही वही है। तो एक बार आपने वो मैंडेट फिक्स कर दी कि इस टाइप के बिजनेस में करेंगे तो वो हो सकता है। तीसरी चीज है इंस्ट्रूमेंट, अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मैं तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलता हूँ, मैं खुद भी की फैमिली, जैसे अनुराधा बता रही थी बिजनेस फैमिली है बनारस में है, ज्यादातर हिंदी भाषी है, उनको तो जब मैं बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ वही नहीं समझ में आता सबसे पहले कि इक्विटी क्या होता है, लोन सबको समझ में आता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ और मैं उनको यही समझाता हूँ कि दिस मे नॉट बी द राइट इंस्ट्रूमेंट ओनली फॉर यू। जो ये इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको बोलता है कि आपको हर साल 100% प्लस ग्रोथ चाहिए और एक सर्टेन साइज चाहिए आईपीओ से, तो ये अब हर कोई एंटरप्रेन्योर उस हिसाब से ना उसकी सोच है ना उसका प्लान है, तो ये जबरदस्ती उसके ऊपर थोपने का कोई मतलब नहीं है। तो हमको अलग अलग उसके इंस्ट्रूमेंट भी निकालने की जरूरत है कि हर कोई को इक्विटी राइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इतने बड़े हो जाओगे एक लिमिटेड पीरियड में, आईपीओ करोगे या बार बार आप बड़े बड़े राउंड करोगे तभी पूरा पहला वाला इन्वेस्टर निकल सकता है। तो ये आई थॉट ये कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज एक एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो कि ऐसे करो लेकिन वो होगा नहीं। नीरज जी आप म्यूट पे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉन्टेक्स्ट होता है। एक एक सच्चाई ये भी है कि रिसर्च की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, ये ग्लोबली आप देखिए, हिंदुस्तान में देखिए आप जो भी आज थीसिस लिखी जा रही है वो इंग्लिश में लिखी जा रही है। तो ये एक आगे जाते हुए मुश्किल आएगी कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर नॉलेज सेंटर पे उन लोगों का कब्जा होता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे परकुलेट होती है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या हो, बिजनेस की लैंग्वेज क्या हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग चर्चा करें। अंशु वर्तिया जी आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप चूंकि हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो
कलेक्टिवली लोगों को जो एफर्ट करने हैं उसमें किस ग्रुप से आप ज्यादा एक्सपेक्ट रखती कि वो ज्यादा प्रयास करे तो फायदा हो सकता है, और किस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए छोटे छोटे? क्या ये भी हो सकता है कि आप एक मॉडरेटर रख दीजिए जो उस इलाके की उस जगह पे मदद कर दे, साहब आपका फॉर्म भर देंगे, हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे, किस तरह से करें? अंशु जी थैंक यू नीरज जी, एक्चुअली ये सवाल हमने इसके बारे में बहुत सोचा है। तो एक तो है कि एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ, जैसे सत्येंद्र जी ने भी बोला, मैं कहती हूँ कि अगर मैं रीजनल भाषा में हूँ और मुझे अगर बढ़ना है, अगर मुझे उसी स्तर में उधर ही उसी एरिया में रहना है, उसी ज्योग्राफी में रहना है, उसी प्रांत में रहना है, तो मेरे को भाषा का कोई ब्रेक नहीं होगा, तो शायद इन्वेस्टर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पर अगर मुझे भी उस प्रांत से बाहर निकलना है तो फिर मुझे भी बाकी लोगों की भाषा समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को मेरा कस्टमर ही वहां है। तो अगर मैं तमिल जानता हूं और मुझे उत्तर प्रदेश में जाना है, तो मैं अगर उत्तर प्रदेश के भाषी की भाषा नहीं समझ पाऊंगा तो मैं शायद उनको समझ के वो सोल्यूशन कस्टमाइज नहीं कर पाऊंगा, राइट? आपने भी इसका इसके बारे में बोला था कि कस्टमर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ग्रो करना है और आपको उस लेवल का निवेश चाहिए जिस तरह से अनुराग जी बता रहे हैं, तो फिर आपको बिगर मार्केट सेगमेंटेशन के लिए अपना प्रयास जारी करना पड़ेगा। सत्येंद्र जी, माना जी जो हमारे हिंदी स्पीकिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अब उस तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट? इट नीडन्ट बी जस्ट इंग्लिश, बट एटलीस्ट हिंदी की तरफ तो आपको बढ़ना पड़ेगा ही शायद, अगर आपको देश में एक्सपैंड करना है। तो एक वो एक थोड़ा प्रयास मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर को भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, आप ट्रांसलेट करके अपने आप से भी आप चीजें रिसर्च को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा शायद एफर्ट वहां जाएगा। और फाइंडिंग अ फाउंडर, को फाउंडर जो एक बहुत भाषा जानता है, एक वो एक तरीका है इस गैप को ब्रेक करने का। तो आई वुड से दैट एफर्ट इज नीडेड इररिस्पेक्टिव। दूसरी तरफ हम लोग का जो एफर्ट है अभी, हमारा मुद्दा थोड़ा जैसे अनुराग जी के बहुत बिग क्वांटम ऑफ मनी है, हम छोटे हम स्टार्टअप से ही काम करते हैं। हमारा ये है कि हम सत्येंद्र जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स को कैसे ढूंढें। तो एक है सत्येंद्र जी जैसे लोगों को पता कैसे चले कि इंक्यूबेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। थैंकफुली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स DST AIM अभी हर क्षेत्र में हर प्रांत में इंक्यूबेटर्स हैं। हम उनको कैसे इन्वॉल्व करें कि वो अपने प्रांत में एटलीस्ट अपनी भाषा के एंटरप्रेन्योर स्पीकिंग को ढूंढ के लाएं ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जा सके। हमने क्या किया लास्ट ईयर, एक PR फर्म के साथ टाई अप किया और रीजनल जो अखबार हैं उनमें वहीं उसी रीजन के एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां चर्चे किए कि वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। उससे हमें लगा कि एक जो जैसे अगर सत्येंद्र जी जहाँ काम कर रहे थे, अगर उनको इंक्यूबेटर के बारे में पता ही ना चले कि ऐसी सहायता मिलती भी है, तो वो आगे बढ़ने का क्षमता नहीं रख सकते। तो हम ये पहले मैसेज कैसे पहुंचाएं हर जिले में, हर परिषद में, कि ये अब कॉमन है, इंक्यूबेटर्स कॉमन है, हेल्प अवेलेबल है, आप आगे तो आइए। तो एक है ये हमें करना है, ये आई थिंक इस इकोसिस्टम को काम करना है टू कम टुगेदर कि हम आउटरीच कैसे बढ़ाएं। विलग्रो ने एक करा था अनकन्वेंशन, जहां प्रांत प्रांत जाके उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। मेरे ख्याल वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल था, वो एक बहुत बड़ा एफर्ट था, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। जागृति यात्रा जहां जहां जाती है, आशुतोष की जी की जो संस्था है उससे बहुत प्रचार होता है, तो एक आउटरीच हो गई। एक फॉर्म है जो हमने कहा टेक्नोलॉजी यूजिंग के लिए एटलीस्ट एक लेवल पे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग द अदर वन इज अगर हम ये थोड़ा कोलैबोरेटिव हो जाएं, तो हर एक जगह जहां इंक्यूबेटर्स हैं और वो प्रांतों में हम थोड़ा टाई अप कर लें कि अगर हिंदी नहीं है, हिंदी तो हम समझते हैं पर मैं अब और लैंग्वेजेस को नहीं जानती, तो एक इंटरफेस, इनिशियल इंटरफेस हो सके जहां पे हम उनको एंगेज करके वो ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल हो और एक ब्रिज बन जाए। बट उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमें हेल्प लगेगी, क्योंकि जैसे अभी मेरी वर्कशॉप है, मैं इंग्लिश हिंदी में तो कर लूंगी पर मैं तमिल में नहीं कर पाऊंगी। अब तमिल अगर वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, चाहे मैं ट्रांसलेटर सर्विस यूज करके वो कुछ हद तक 50% समझ पाए, पर अगर वो कोहोर्ट में एक दूसरे की जानकारी, कोहोर्ट में क्या सबसे जरूरी बात होती है, एक दूसरे से सीखना। हमें लगता है जो हमें एक फीडबैक मिलता है अनलिमिटेड का कि मैंने दूसरे से सीखा,
पर वो एंगेजमेंट कैसे होगी उसके लिए फिर वो एंटरप्रेन्योर को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? अगर एकदम रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो मैं अगर समरी में कहना चाहूं, एंटरप्रेन्योर को भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा अगर उनको इकोसिस्टम से जुड़ना है। अब सीए है, एक अच्छा सीए है जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग प्रपोजल बनाएगा, शायद उसको तमिल में ना हो, अगर होगा तो शायद बहुत एक्सपेंसिव होगा। अगर आपको वाइडर इकोसिस्टम में जुड़ना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, उतना एटलीस्ट नंबर्स इंग्लिश में सीखने पड़ेंगे, राइट? इससे मैं 100% एग्री हूं कि जो इकोसिस्टम है हमारे बिजनेस का वो इंग्लिश है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग इसमें आने वाले हैं, काम कर रहे हैं, वो एक बार जब प्रोसेस में आ जाते हैं तो उस इकोसिस्टम में वो वर्किंग लैंग्वेज सीख लेते हैं। बोल नहीं पा रहे होंगे वो, ये लिख भी ना पाए, वो लेकिन समझ लेते हैं। वो आपने जो बोला वो उन्होंने समझ लिया, आपने जो फॉर्म दिया उसको उन्होंने पढ़ के समझ लिया कि अच्छा ये चीजें इसमें हो रही है। लेकिन इस स्टेज तक लाने के लिए उनके साथ किसी को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आज तो जी आप आइए जरा, चूंकि ये बहुत अच्छा सवाल अभी अंशु जी ने कहा कि मान लीजिए तमिल का व्यक्ति है, तेलुगु है या कन्नड़ है, उसके साथ कैसे आप डील करेंगे, तो इस समस्या को कैसे हैंडल किया जा सकता? क्या ये जो आविष्कार जैसे और जो दूसरे बड़े लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव रखें जो उस ग्रुप के साथ डील करें, उनकी हेल्प करें, फिर जब वो इकोसिस्टम में आ जाएगा तो वो उसको सीख लेगा, क्या ये पॉसिबल है आशुतोष जी? देखिए नीरज जी, मतलब मैं दो प्रयास हैं जो हम लोग जिस पे कार्यरत हैं, मैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि एक अभी जद्दोजहद तो यह है कि एक छोटे उद्यमी को कैसे हम निवेश के स्तर पे लेके जा सके, वो एक पूरी यात्रा है। जब एक बार वो वहां तक पहुंच जाएगा फिर ये आविष्कार अपने दरवाजे खोलेंगे, अनलिमिटेड अपने दरवाजे खोलेंगे। लेकिन ये जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी सारे उद्यमी जो है यहीं पे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, यहीं उनकी कंपनियां बंद होनी शुरू हो जाती है। और उसके लिए जो दो प्रयास है, एक जो अंशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्रीय स्तर पे हमें इकोसिस्टम बनाने पड़ेंगे, उसके बिना बहुत ही मुश्किल है कि हम उद्यमियों को इस छोटे स्तर से, शुरुआती स्तर से निवेश स्तर पे ले जा सके। तो इसीलिए एक तो जो हमारा प्रयास है कि पूर्वांचल में हम जाके एकदम जम गए हैं, जो कहते हैं अंगद का पांव है उसकी तरह हम वहां पे हमने इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत कर दी है, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, इन सब इलाकों में। और उसके लिए आपको वहां जाके थोड़ा जमना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, क्योंकि भाषा जो है, भाषा एक अंग है लेकिन भाषा का एक जो विस्तृत और व्यापक रूप है वो है कल्चर, संस्कृति, कॉन्टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर जो है या कोई भी बाहरी व्यक्ति भाषा भले समझ जाए लेकिन उस संस्कृति को, उस कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को, पृष्ठभूमि को भी समझना उतना ही जरूरी है। और उसके लिए भी इस क्षेत्रीय इकोसिस्टम का निर्माण करना है, तो एक तो यह है, और उसके जरिए आप वहां पे जो जिसको लास्ट माइल कनेक्ट कहते हैं वो आपका बना रहता है, आप लोकल उद्यमियों को पहचान कर सकते हैं और उनको फिर आप निवेशकों तक ले जा सकते हैं। और जो दूसरा प्रयास है, जो आपने नीरज जी बोला था कि रिसर्च नॉलेज इन चीजों को लेके, कि उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वर्नैकुलर में कन्वर्ट करें और ताकि इन लोगों तक हम पहुंचाएं। काफी मतलब हद तक जो आज जो YouTube है और ये सब चैनलों पे काफी अब क्षेत्रीय भाषा में आ रही हैं चीजें, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम एक कुछ डिजिटल लाइब्रेरी की तरह निर्माण कर सकते हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पिछले 12-13 साल की यात्रा से काफी सारा कॉन्टेंट हिंदी और अंग्रेजी में जनरेट हुआ है, हम उसको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थानीय उद्यमियों को यह दिखाया जा सके या और इस तरह के। तो एक तो इकोसिस्टम की बात है क्षेत्रीय, और दूसरा है कि भाषा नॉलेज या फिर रिसर्च को कैसे इन लोगों तक पहुंचाया जाए। करेक्ट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। इसमें थोड़ा सा मैं ये आपको संदर्भ के लिए जोड़ रहा हूं। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है या बहुत सारे जगहों पे इस जद्दोजहद या इस मुश्किल में, इस डायकोटमी में आप फंसे रहते हैं कि आप पहल करें कि वो पहल करें, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पहल कर लेता है। क्योंकि एक साइकोलॉजी समझिए बिजनेस की, जो बहुत छोटे लेवल का एंटरप्रेन्योर है उसको इतनी गरज या उसके अंदर इतनी अर्ज नहीं है आगे बढ़ने की जब तक कि उसको कोई समझाया नहीं कि आपकी पोटेंशियल क्या है।
तो वो शायद उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। आइडिया बहुत शानदार था लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं तो सोचा और वहीं पे डेड हो गया। अगर ऐसे बहुत सारे आइडियाज लैंग्वेज की वजह से या उनके उत्साह की वजह से नहीं आ रहे हैं या उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाए तो इसमें इन्वेस्टर्स का लॉस है। तो शायद हमको लगता है ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों को सोचना चाहिए, खासतौर पर आपको आशुतोष जी, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको टैलेंटेड जो जिनके अंदर जब तक उनको बताएंगे हनुमान जी को अपना याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने बलशाली हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो अनुराधा जी ये एक समस्या आपने सॉरी मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा इस बात पे। मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत जिनके पास बहुत ब्राइट आइडिया होते हैं पहले तो वो इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर इन्वेस्टर के पास उसकी क्षमता होती तो वो खुद ही बिजनेस चला रहा होता। तो एक तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं इन्वेस्टर से और दूसरा उनमें वो जुझारूपन होता है, वो एक की क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स की। इनफैक्ट हम वो ढूंढते हैं कि वो कितना रिसोर्सफुल है, कितना जुगाड़ू है कि अपनी अपने को आगे। अभी जैसे एज एन एग्जांपल मैं जस्ट आशुतोष जी जो बोल रहे थे मैं उसको आगे लेना चाहता हूँ कि कई बार जो हमारे पास आते भी हैं और हमारा दरवाजा खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी में बात कर रहे हैं गुजराती में बात कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही हमारे यहाँ एक राजकोट से आए हुए थे एंटरप्रेन्योर जो कि जिनको हिंदी भी नहीं आती थी ठीक से, इंग्लिश भी नहीं आती। लकली हमारी टीम में गुजरातियों की कमी नहीं है तो गुजराती में भी हमारी बात हो गई और हम समझ मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे थे एक दूसरे से। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल था जेनेरिक्स मेडिसिन का, वो उनके पास करीब 25 साल का एक्सपीरियंस भी था उस फील्ड में और उन्होंने काफी मतलब बड़ा एटलीस्ट स्केल के बारे में सोचा था जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार वो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस काफी हम मिसिंग पाते हैं कि वो सोच ही नहीं रहे हैं उतना बड़ा जिसमें इस टाइप की कैपिटल जा सके और उसमें उसका रिटर्न जनरेट हो सके या एग्जिट का अपॉर्चुनिटी में मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस में काफी काम करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग जिनको पहुंचना होता है इसी तरह का एक आयुर्वेद फील्ड में रिलेटेड एक एंटरप्रेन्योर है जो कि हमारे पीछे लगे हुए हैं कई सालों से कि हमको तो आविष्कार से पैसे चाहिए, वो हर बार रिजेक्ट होते वापस आ जाते हैं और उनके कूडोस टू हिम, उन्होंने अभी अभी अपना सीरीज ए राउंड कंप्लीट किया है, काफी अच्छे वैल्यूएशन भी मिले हैं और मतलब एकदम ग्रास रूट का बिजनेस है। तो वो एंटरप्रेन्योर्स में वो क्वालिटी होती है कि वो अगर उनको करना है तो वो करते हैं और वो पहुंच जाते हैं और दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, बंद नहीं है। नीरज जी अनुराग भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मेरी और अनुराग की मतलब बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पर एक अंदरूनी रूप से इस बात पे थोड़ी एक बहस सी चल रही है और मैं उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट में भी है क्योंकि मल्टीपार्टी शुरू करने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड के साथ एक इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट किया था डेक्स्टर कैपिटल, आई एम नॉट श्योर आप जानते हैं नहीं जानते देवेंद्र को, तो मैंने डेक्स्टर के साथ काम करते हैं एक्चुअली राइट। तो आप तो मैंने वो पहलू भी देखा है अनुराग, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि हमें बहुत ही कम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना होता है एज एन इन्वेस्टर, पर डील फ्लो की लड़ाई हमेशा रहती है राइट, अच्छे स्टार्टअप्स की हमें हमेशा खोज रहती है। तो अल्टीमेटली जरूरत हमें भी है एज एन इन्वेस्टर उन अच्छे स्टार्टअप्स की। और मैं समझती हूँ नीरज जी मे बी 2 साल 4 साल 5 साल पहले ये बोला जाता था कि समाज के उत्थान के लिए देश की प्रगति के लिए आप इन्वेस्ट करिए, है ना, हिंदी भाषा में या भारतीय भाषाओं में। आज वो बात नहीं है, आज 5 साल में हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें इन भाषाओं में अगर इन्वेस्ट करना है या इनमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम समाज की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली नेक्स्ट फेसबुक नेक्स्ट गूगल हो सकता है हमें इंडिया में ग्रास रूट से मिले, अर्बन एंटरप्रेन्योर से ना मिले राइट। तो हमें अगर अपना डील फ्लो एक्सपैंड करना है तो, और दूसरी बात एक बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो मेरे पास है इस बात के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि एंटरप्रेन्योर को कोशिश नहीं करनी चाहिए या एंटरप्रेन्योर जो जुझारू होते हैं वो कोशिश करके नहीं पहुंच जाते हैं, पर आप ये सोचिए आप लेट से 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे अंग्रेजी सीखे और वो सारे अपनी कैपेबिलिटी, और आप दूसरी तरफ आप 25 या 30 इन्वेस्टमेंट आउटफिट से या 100 इन्वेस्टमेंट आउटफिट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंडियन लैंग्वेजेस में अपने आप को केपेबल बनाए। व्हाट इज मोर रीजनेबल, उनमें से कौन सा आपको ज्यादा सेंसिबल लगता है सुनने में? और दूसरी बात, आप जिन 1 करोड़ से उम्मीद कर रहे हैं उनके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है,
आप जिन 100 से उम्मीद कर रहे हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो चाहे तो इन्वेस्ट करके उन्हें खुद अपनी टीम बड़ी करके 22 भारतीय भाषाओं में लोग नहीं यू नो भर्ती करने हैं, उन्हें मदद लेनी है लैंग्वेज एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की प्रॉबेबली, और बहुत सारे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है. कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन अंशु की बात बिल्कुल सही है, आज भी तकलीफ है, आज भी कोई भी टूल इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाता है, पर जब हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जब हम इस पे ध्यान देंगे तो वो भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी धीरे धीरे. तो मेरा इसमें स्पष्ट रूप से वापस से ये मानना है अनुराग की, और मैं ये भी समझती हूँ नीरज की, हाथ पैर फूल जाते हैं जब कोई बोलते हैं 22 भारतीय भाषाओं में तुम्हें कैपेबिलिटी डेवलप करनी है. तो एक पहल हमें सारी भारतीय भाषाओं को ना लो, शुरुआत में पहले उसको पकड़ लो जिसमें आपको लगता है सबसे ज्यादा कवरेज हो जाएगी. जैसा नीरज जी आपने कहा हिंदी अपने आप में एक बड़ा, हिंदी के अलावा लेट से तमिल बंगाली मराठी पकड़ लो जो तुम्हें लगता है कि ज्यादा कवरेज तुम्हें दे देता है, वो 5 भारतीय भाषाओं से शुरुआत करो. पर यहाँ पे पहल होना बहुत जरूरी है, ये मुझे बार बार लगता है. तो अनुराग रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ. करिए सर, करिए बोलिए अनुराग जी. नहीं नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो बात अनुराधा जी कह रही है ना सर, इसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दे रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ हिंदी बहुत बड़ा बाजार है, मेरे कई जानने वाले लोग जो IIT IIM से पढ़ने के बाद वो हिंदी के राइटर बन गए हैं, हिंदी की किताबें लिख रहे हैं, हिंदी की फिल्म लिख रहे हैं, हिंदी की छोटे छोटे वीडियोज बना रहे हैं, और वो बिजनेस कन्वर्ट कर लिया उन लोगों. सो हिंदी डिफरेंट टेंजेंट पे जा रही है. अनुराग जी पहले आप बोले जी. हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से ये एक परसेप्शन प्रॉब्लम है कि अगर हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो हम इनको अप्रोच ही नहीं कर सकते. तो ये तो एक मिथ्या है जो कि दूर करने की जरूरत है दोनों तरफ से, कि ऐसी कोई झिझक नहीं है. हमारा तो इनफैक्ट जब हम अपने पिचिंग करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, हम तो ये बोलते हैं खुलेआम कि अगर आप देखिए तो जो जितना भी वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर आप 80% जो भी हो रहा है वो 5-6 शहरों में हो रहा है. हम तो खुलेआम बोलते हैं कि हम तो इनके बाहर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें एक प्रोप्राइटरी डील पाइपलाइन मिल रही है, क्योंकि कोई और नहीं जा रहा. अब लोग जाना शुरू कर दिए पिछले 3-4 सालों से, अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे Tier 2 Tier 3 ये सब फोकस में आ रहा है. लेकिन तो हमारी 20 साल की जर्नी में तो हम तो अकेले जहाँ जाते थे हम, कोई और हमारे कॉम्पिटिशन में ही नहीं होता था. और अभी ऐसी सिचुएशन है कि इतने सारा मोर मनी इज चेजिंग यू नो द केपेबल एंटरप्रेन्योर्स. मनी इज बिकम अ कमोडिटी, एकदम कमोडिटी बन गया है, और उसका ये सीधा डिमांड सप्लाई गेम है. क्योंकि ज्यादा पैसा है और अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए वैल्यूएशन एकदम फूल रहे हैं, एकदम आसमान पे जा रहे हैं. तो ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए तो एक प्रॉब्लम है. तो हमें तो बहुत, हमारा तो शुरू से ही ये एकदम स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि हम रिमोट ज्योग्राफीज में जाएंगे. हमने बिहार में भी इन्वेस्टमेंट किया है, झारखंड में भी किया है, उड़ीसा में भी किया है, उत्तराखंड में भी किया है, और हम काफी टाइम बिताते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने के पहले. तो वो इंटरेक्शन में हमको समझना होता है कि उनकी मोटिवेशन क्या है. तो वो तो हमारा काफी, मतलब उनके लोकल लैंग्वेज में हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके साथ खाते पीते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं, तो सब चीज होता है. तो मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज से ज्यादा इशू है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या वो आइडिया, वो इन्वेस्टमेंट रेडी है उस टाइप का पैसा लेने के लिए, वो रेडी है, उसमें काम करने की ज्यादा जरूरत है. लैंग्वेज से बड़ा बैरियर मैं देखता हूँ वो है, क्योंकि अगर जैसे मैं वो गुजराती एंटरप्रेन्योर के साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन उसका गवर्नेंस सिस्टम सही है क्या, वो अपना बिजनेस ठीक ढंग से चला रहा है क्या, उसने अपने चारों तरफ टीम ऐसी इकट्ठा करी है जो उसको 100 गुना बढ़ा सकता है. सॉरी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, मैं जल्दी चुप हो जाऊंगी. आई अंडरस्टैंड बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए. अनुराग इसमें मेरा एक पॉइंट है, मैं कुछ स्टार्टअप्स का नाम लेना चाहूंगी नीरज यहाँ पे. जैसे जो स्टॉक है बड़ा बिजनेस है, जो अनुराग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर हमें प्रॉबेबली फिर इस तरह की संस्थाएं चाहिए जो उन ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स को इन चीजों के बारे में एजुकेट कर सके उनकी भाषा में. तो आई थिंक कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं. दैट्स इट. इससे पहले कि मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ, नैन्सी आप मुझे सवाल भेज दीजिएगा. सतेंद्र जी एक छोटा सा जवाब आपका चाहिए. जो बात हमने शुरू में स्टेब्लिश करने की कोशिश की, अनुराग जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, तो फिर आपको लैंग्वेज उतनी मुश्किल नहीं खड़ी करती, क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना वो खुद बोल रहा है कि हमें आप पैसे दीजिए, हमें चाहिए. सतेंद्र जी छोटा सा जवाब, फिर मैं सवाल जवाब को बढ़ता हूँ. जी बिल्कुल. हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, और हमने शुरू में भी कहा था कि वो जान, वो बात, वो क्वालिटी, वो प्योरिटी, वो नेचुरलिटी वो होनी चाहिए.
और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक मिनट बताऊंगा कि जैसे लैंग्वेज की बात है तो हमारी फैमिली की लैंग्वेज आती है लोधी। हमारी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो मराठी माध्यम से हुई है और उसके बाद जो है इंग्लिश की पढ़ाई हुई है। तो कहने का मतलब बस मेरा यही है कि जो भी चीज़ है, जैसे अनुराग जी ने भी कहा, अंशु जी ने भी, आशुतोष जी ने और अनुराधा जी ने भी, कि वो बात होनी चाहिए और बात के साथ साथ वो फोकस होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरी चीज आती है नीड। जैसे अगर गांव में तालाब है, मैं जहाँ हूँ वहीं पीछे में तालाब है, वहाँ मछली है, अगर वो मछली को मुझे पकड़ना है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, वो मछली मेरे पास में मतलब नहीं आएगी। और दूसरी चीज, मुझे वैसी जाल बिछाना पड़ेगा ताकि वो मछली वो आए और वो बराबर मार्केट तक जाए। मेन जो मुद्दा है, कहने का मतलब है, उस प्रकार का मॉडल, उस प्रकार की बात, वो सारी चीजें होना चाहिए। बस यही एक शब्द। बिल्कुल सतेंद्र जी, आपने सही कहा, लेकिन मछली भी हिलसा होनी चाहिए, फिर महंगी वाली मछली तभी जाएगा पकड़ने के लिए आदमी, ऐसे रोहू के लिए तो शायद नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें से एक सवाल ये है कि बिजनेस की दुनिया जो है उसमें भाषा के संदर्भ में गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। अनुराग जी, आप जवाब दें। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है और मुझे लगता है कि जहाँ पे नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर अगर क्रिएट किया जाए तो एक शुरुआत होती है और उससे उसका एक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है और इट टेक्स ऑफ। तो मैंने इनफैक्ट थोड़ा उसके बारे में जिक्र भी किया था अपने कॉन्वर्सेशन में कि जैसे फॉर एग्जाम्पल असम गवर्नमेंट ने एक अभी एक लॉन्च किया है एग्री फंड फॉर असम। तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट, अगर डेटा देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम कैपिटल गई है इस तरह की वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी। तो उस तरह का अगर एक फोकस्ड एफर्ट शुरू होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सिडबी के थ्रू, सिडबी के माध्यम से काफी कैपिटल डायरेक्ट करने की कोशिश की है एमएसएमएस में। उसी तरह से काफी सारे प्रयास हो रहे हैं जेंडर बैलेंस को सही करने के लिए। अगर अगेन फिर आप डेटा देखेंगे तो उसमें भी, तो अब जैसे हम लोग ने आविष्कार में हमने साइन अप किया है एक 2x फ्लैगशिप करके एक प्रोग्राम है जिसमें कि कुछ हमें मापदंड मीट करने हैं कि इतना कैपिटल डायरेक्ट होगी जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इस तरह से। तो मेरे ख्याल से जब आप कोई भी चीज पे एकदम फोकस डाल के उसके ऊपर कुछ एक मैंडेट क्रिएट करेंगे, जो मैं मैंडेट की बात कर रहा था, और उसमें कुछ फंड्स अवेलेबल करेंगे तो फंड मैनेजर्स आगे बढ़ के उस पर काम करेंगे और क्योंकि उसमें वो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप मीट होगी। करेक्ट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सॉरी, इसी बात पे कि हाँ। एक तो गवर्नमेंट है कि एक देखिए गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स भी लगा रही है, मतलब इनकरेज कर रही है हर स्टेट हर रीजनल प्रांत में, राइट। और ये एग्री फंड भी आएगा। एक आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जो मैंने पहले जब एफपीओ शुरू हुए थे तभी भी बहुत इसके ऊपर विचार कराया था कि वो जो इकोसिस्टम है, एक जो सीए है जो आपको चाहिए, आपको गवर्नेंस, कंपनी सेक्रेटरी और सीए, जो दो बहुत, और लीगल, जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं व्यवसाय चला के रेगुलेटरी गुड गवर्नेंस के साथ उनको बढ़ाने के लिए, वो अवेलेबल है कि नहीं। मेरे को लगता है गवर्नमेंट को वो बहुत प्रमोट करना चाहिए ताकि एक लॉयर वहां जाके काम कर सके उन उद्यमी के साथ ताकि वो इन स्कीम्स को यूज कर पाए। ओके अच्छा, एक फटाफट सवाल लेते हैं। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास बिजनेस मॉडल है या थोड़ी बहुत उनको अंग्रेजी आती है, वर्किंग लैंग्वेज आती है। एक क्लास ऐसा होगा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के पास जा सकता है, वो कौन है? वो बैंक्स हैं जिन जिनकी रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत काम होता है। तो छोटे इलाकों के व्यक्ति हैं जो थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ लिख लिया है और उनके पास आइडिया, तो वो आविष्कार के पास आने की बजाय वो किसी पंजाब नेशनल बैंक के पास जा सकते हैं। क्या ये सही है और आपको लगता है कि इसको भी थोड़ा सा अलग दिशा से देखने की जरूरत है? जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है उन्हीं के पास ऐसे आइडियाज हैं जो वीसी फंडिंग के लायक हैं, और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनके पास ऐसे आइडियाज ही नहीं है जो वीसी फंडिंग के लायक होंगे। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि हम ये डिबेट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते उनके पास भी ऐसे आइडियाज हो सकते हैं, और वो हमारे पास, हमें तभी पता चलेगा जब हम उन्हें प्रमोट करेंगे, एजुकेट करेंगे, और वीसीज के पास उन्हें लाने की उनकी जो झिझक है उसको खत्म करेंगे। तो मतलब मैं अपना विरोध प्रस्तुत करना चाहूंगी इस विचार पर। मेरा एक दूसरा इसका एक पहलू है कि जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कई बार उनके बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी ये होता है कि बैंक से उनको फंडिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि पहले कुछ सालों में उनको बिजनेस मॉडल ग्रो करने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत होती है, उनका पीएनएल नेगेटिव होता है, और कोई भी बैंक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो बैंक एज अ ऑल्टरनेटिव टू वीसी फंडिंग बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल जो उसका है एंटरप्रेन्योर का, वो शायद उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी अगर वो ऑल्टरनेटिव ऑफर करेंगे। तो इसलिए अगर उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसको रिस्क कैपिटल की जरूरत है, तो उसको रिस्क कैपिटल ही चाहिए जो कि वो रिस्क ले सके। बिजनेस चलेगा तो वो 10 गुना भी हो सकती है, और नहीं चलेगा तो वो 0 भी हो सकती है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो रिस्क कैपिटल उसको वेंचर कैपिटल के फॉर्म में ही मिले, और मैं इसीलिए ये बात कर रहा था कि यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लोर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट। आजकल जैसे बात होने लगी है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स, इनफैक्ट आविष्कार ने एक एक्सपेरिमेंट भी पहले किया था भारतीय युवा ट्रस्ट के साथ, जो कि हम बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को पैसे दे रहे थे। उनका हमको क्लियर था कि उनको एग्जिट जो ट्रेडिशनल फॉर्म में मिलती है वो नहीं मिल सकती, लेकिन उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू उसको अगर आप सर्विस कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो एक आइडिया हो सकती है। तो उसमें हमको थोड़ा इनोवेशन की जरूरत है फ्रॉम द इन्वेस्टर इकोसिस्टम। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, वो ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी ब्लेंडेड फाइनेंस का स्कोप है फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट को मिला के। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा इनोवेशन की जरूरत है इन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अनुराग जी, इससे जुड़ा एक सवाल भी है कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके की फंडिंग हो सकती है, रेवेन्यू शेयर मॉडल हो सकता है, सीड फंडिंग हो सकती है, वेंचर कैपिटल हो सकता है, सोशल फंडिंग हो सकती है, मार्केटिंग टाइप्स हो सकते हैं, ये जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते और लाखों लोग जो इसको सुन रहे हैं उन तक ये मैसेज आप कैसे पहुंचाएंगे कि वी आर कमिंग? तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ही बहुत नेसेंट स्टेज पे है, तो ये काम इन्वेस्टर की तरफ है, ये डेवलप करना सबसे पहले इन्वेस्टर का काम है। एक बार उसने डेवलप कर दिया तो फिर उसकी प्रॉब्लम है कि उसको वो डिप्लॉय कैसे करेगा, तो फिर उसको वो कम्युनिकेट भी करना जरूरी होगा कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट देते हैं, और फिर उनको ढूंढना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स को। और एंटरप्रेन्योर्स को तो ऑफ कोर्स जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैपिटल सीख कर रहे हैं, तो वो मीटिंग होगी अपने आप, लेकिन पहले इसको थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। और इसमें शुरुआत में ये फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट का काफी रोल हो सकता है। जी आशुतोष, एक सवाल आपसे, ये बात जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी की वजह से या किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज की वजह से आपके आइडिया को मरने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे बायर हैं जो पैसे लगाएंगे, ये संदेश कैसे पहुंचाते हैं आप लोग, या उन तक पहुंचने का तरीका क्या, टूल क्या, लोग सुन रहे हैं उनको ये भरोसा दिलाना है कि आपका जो आइडिया है उसके लिए भी कुछ बायर हैं? नहीं तो देखिए, उसके लिए नीरज जी मेरे ख्याल से जो जिस हम आउटरीच की बात कर रहे हैं कि कैसे हम गली गली कोने कोने तक पहुंचे और अलग अलग आउटरीच के माध्यम से ये संदेश वहां तक पहुंचाए, और अब तो खैर काफ़ी डिजिटल माध्यम आ गए हैं ये संदेश पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया है, काफ़ी टारगेटेड आप तरीके से अपने संदेश को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बट फिजिकली भी मतलब किसी क्षेत्र में आप इस संदेश को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आउटरीच करने के काफी सारे माध्यम आ चुके हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, काफी सारी संस्थाएं हैं जो ग्रास रूट स्तर पे काफी काम कर रही हैं। मतलब हम यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन काफी सारी इस तरह की ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए जुड़ के संदेश को पहुंचाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से संदेश पहुंचाने में कोई चैनल्स की कमी नहीं है, कोलैबोरेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के और फिर संदेश पहुंचाने का हमें प्रयास करना होगा। जो कुछ भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, उस थॉट प्रोसेस को एक कैंपेन के तौर पे, वो कैंपेन शायद ये हो सकता है कि लैंग्वेज इज नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट रेडी फॉर यू, ये दो लाइन का संदेश अंशु भरतिया जी कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? असली खेल तो यही ना कि जब हम चर्चा जो कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके लिए हैं।
बहुत अच्छा। और ये इस पे हमारा एक जो आई थिंक जो सबसे पावरफुल टूल है और जो सबसे अंडर लीवरेज्ड है वो है जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी जिन्होंने लीवरेज किया है वो अपने दोस्त और सहकर्ताओं को कैसे बताएं। हमारे जो सबसे अच्छे रिमोट क्षेत्रों से आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। तो सत्येंद्र जी 10 लोगों को बताएंगे तो वो जो एक ट्रस्ट की भी प्रॉब्लम है, राइट, कि भाई मैंने गया और मैंने कोई स्कीम का यूज किया और मेरा भरोसा टूट गया। पर जब सत्येंद्र जी बताते हैं कि मैं अनलिमिटेड में गया या जागृति यात्रा में गया और मुझे रियल सपोर्ट मिला, वो सबसे पावरफुल है। तो वन इज कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ऑफ पीपल हु यूज दिस प्रोडक्ट और सर्विस। द अदर इज ऑफकोर्स सोशल मीडिया, फेसबुक मेरे हिसाब से, बट वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट पावरफुल। करेक्ट। तो कई सारे सवाल हमने लिए और अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक रिमार्क्स आप लोग क्लोजिंग दें, जो कुछ भी इस चर्चा के समअप के लिए आप कहना चाहते हैं, तो एक एक करके हम आपके आते हैं। अनुराधा जी आपसे शुरू करते हैं। अनुराधा जी, अनुराधा जी, लेडी फर्स्ट। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं इसी जो आपने आखिरी में सुझाव दिया उसी की सराहना करना चाहूंगी। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन लॉन्च हुआ, उसी तरीके से हमें हिंदी में कुछ ऐसा ज्वाइन लॉन्च करना होगा कि यू नो निवेश के और भी आयाम है या वीसी भी आपके लिए तैयार है उस तरीके से। भाषा की दिक्कत नहीं, निवेशक तैयार है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ, मतलब वो हमें और क्रिएटिवली सोचना होगा नीरज जी। और आपने जो बीज बोया है वो बिल्कुल सही बोया है, जरूरत इसी चीज की है। हम अपने मन में ये थक हार के बैठ गए हैं कि जिसको अंग्रेजी नहीं आता उसके पास आइडियाज भी नहीं है, या फिर वो आइडियाज वीसी फंडिंग के भी लायक नहीं है, तो छोड़ो अंग्रेजी वालों को ही पकड़ो। तो हम अपना डील फ्लो कम कर रहे हैं, निवेशक अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारा एफर्ट निवेशकों की तरफ से, और निवेशकों की तरफ से कैपेबिलिटी बिल्ड करने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं में उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए उसको समझने की, उसे परखने की। दूसरी चीज, उनकी तरफ से बहुत सारे एजुकेशन इनिशिएटिव्स लॉन्च होने चाहिए कि अगर आप अंग्रेजी में भी नहीं बात कर सकते हम आपके लिए तैयार है। आई थिंक ये मेरा क्लोजिंग रिमार्क होगा। अनुराग जी। अनुराधा जी ने अभी फिर मेरे ऊपर एक तीर छोड़ा। अनुराग जी मुझे लगता है कि एक अनुराधा जी और आपका वन ऑन वन सेशन करा देते हैं। जरूर। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक होता है कि इंटेंट या जो आपका करने का उद्देश्य है, तो हमारा क्लियर इंटेंट है, उसको इंटेंट को आपको एक्शन में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो भाषा हमारे हिसाब से एटलीस्ट आविष्कार के लिए तो कभी भी एक कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो आपको आविष्कार से पैसा नहीं मिल सकता। तो हम अपने, हमारा जो मोटो था कि रिमोट रूरल एरियाज में जाना है, वो मोटो ही डिफीट हो जाएगा। इंटेंट को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे कदम रखे हैं, जैसे कि संकल्प हम करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि देश भर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें अलग अलग रीजन से। हमने संकल्प को पटना में भी एक बार होस्ट किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं हो पाया मल्टीपल रीजंस, लेकिन एटलीस्ट हमारा इंटेंट रहा है। हम अपनी एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इस बार हमने उसको हिंदी में भी पब्लिश किया है। ओके चलिए सत्येंद्र जी आपका क्लोजिंग रिमार्क। यही कहना चाहता हूँ कि फाइनली टू कंक्लूड नीरज जी की अगर वो एंटरप्रेन्योर केपेबल है तो कैपिटल उसको ढूंढ लेगी, और जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं उनका काम ही ये है कि जो मोस्ट केपेबल एंटरप्रेन्योर है उनके पास कैपिटल जाए। तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, उसमें काम करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, बट मेरे ख्याल से दैट शुड नॉट बी अ बैरियर। जी सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही, तो आप अपना क्लोजिंग रिमार्क दें। नहीं, अच्छा आशुतोष जी आप शुरू करें। मैं ये कहूंगा नीरज जी कि जितनी जिम्मेदारी हम निवेशकों पे डाल रहे हैं उतनी या उससे कहीं ज्यादा हमें ये भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम क्षेत्रीय स्तर पे और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सके, ताकि उस इकोसिस्टम के जरिए हम सही उद्यमियों को ढूंढ सकें, उनको थोड़ा परख सके, निखार सके और उनको निवेश के लिए तैयार कर सके। निवेशक तो आ जाएंगे, आपके अगर तैयार उद्यमी ही नहीं है तो आप फिर वो क्या करेंगे।
तो हमें उतना ही एफर्ट, उतना ही प्रयास इकोसिस्टम बनाने पर भी ध्यान देना होगा, और जो भी क्षेत्रीय इकोसिस्टम बनेंगे वहां ऑटोमेटिकली ये भाषा की समस्या दूर हो जाएगी। करेक्ट, बताइए अंशु जी आपका रिमार्क क्या होगा? मैं एक्चुअली सबसे यही सहमति है कि, और मेरे को लगता है कि अब रीजनल क्षेत्रीय इकोसिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उनको बस लीवरेज कैसा किया जाए और हम लोग एक दूसरे से नेटवर्क करके हम उसको कैसे लीवरेज करें। आई थिंक एक स्तर पे इंक्यूबेटर्स इन्वेस्टर्स को थोड़ा और साथ आना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीएसटी इंक्यूबेटर्स जो हर क्षेत्र में हर रीजनल कॉलेज में है, मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल है, हम उसको अंडर लीवरेज कर रहे हैं। उनको भी इस चर्चा में लाना चाहिए कि वो रोल क्या प्ले करते हैं, और उसके रूट में और इंक्यूबेटर्स का बिटवीन एंटरप्रेन्योर उद्यमी एंड इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ा रोल है, तो वो रोल को हम कैसे स्टेप अप करके उनको ज्यादा एम्पावर कैसे करके ताकि वो ये ब्रिज गैप अच्छे से प्ले कर पाए, आई थिंक विल बी एन इम्पोर्टेंट रोल आई सी इंक्यूबेटर्स प्लेइंग इन द फ्यूचर। ओके सत्येंद्र जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही हो तो आप अपना क्लोजिंग रिमार्क दे दें। मुझे लग रहा है वो ड्रॉप हो गए हैं, आई कांट सी हिम। दो मिनट दीजिए, आई विल ट्राई एंड गेट सत्येंद्र जी बैक ऑन। प्लीज जी। अच्छा, इस पूरी चर्चा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सारे लोग रख रहे हैं कॉमन ग्राउंड में, मुझे तक एक व्यापारी की तरह सोचिए आप, सर्वाइवल फिटेस्ट है व्यापारी से जब मैं कह रहा हूं, तो एक बिजनेस का जो अप्रोच होता है उसमें लैंग्वेज बहुत मिनिमल रोल प्ले करती है, बहुत ही मिनिमम रोल उसमें होता है कि कैसे आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे वेंचर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप कैपिटल बेंगलोर में जाइए तो वहां पे आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा मिल के लोगों से, बहुत सारे लोग बिहारी में बात कर रहे होंगे आपसे, बहुत सारे लोग गुजराती में बात करें होंगे, वो वहां पे आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आता कि मैं कौन सी लैंग्वेज में किससे बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट मानिए कि आपको मजा आ जाएगा क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है वहां पे बिजनेस पे रादर लैंग्वेज पे। तो खैर वो सारे पढ़े लिखे IIT है तब भी वो हिंदी में बात कर रहे हैं, वो अलग इश्यू है। वहां से इसेंस निकालने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो व्यापारी की तरह सोच रहे हैं कि हमको बिजनेस करना है, उसमें लैंग्वेज बहुत मिनिमम रोल होता है, केवल एक आइडिया प्रेजेंट करने की जो दिक्कत है उसको शायद एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टाइप का जो फॉर्मेट होता है कि आप एक एक रिप्रेजेंटेटिव दिए जो ढूंढे और ढूंढ के लाए उनका प्रपोजल बना के करे, क्योंकि वो जब पर्सनली जब वो इकोसिस्टम में आता है तो वो एक हफ्ते में सीख लेता है। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं गया था तमिलनाडु घूमने के लिए, तो वहां पे एक मंदिर है जो कि पुडुचेरी के पास पड़ता है, उसमें एक नेपाली व्यक्ति था जो उस मंदिर में सेवादार था। आप यकीन नहीं माने, वो इतनी अच्छी तमिल बोल रहा था कि मुझे शक हो रहा था कि कैसे इतनी अच्छी तमिल बोल सकता है। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा हम तो अभी आए 5 साल पहले नेपाल से यहाँ पे, और मंदिर में हमारी नौकरी लग गई है, वो शनि मंदिर बहुत फेमस है कोडाईकनाल में, और हमने सीख लिया है यहाँ पे। हमने कहा इतनी जल्दी तमिल सीख ली जो कि इतनी टफ है? तो बोले नहीं, हमको यहाँ जरूरत थी, हमने यहाँ किया सीख लिया। फिर उसका दूसरा काउंटर पार्ट अरविंदो आश्रम के आसपास स्ट्रीट पे बहुत सारी दुकानें लगती जो कपड़े वपड़े बेचते थे, वहां पे गोरखपुर का भाई साहब आशुतोष जी, गोरखपुर का एक लड़का था, उसके फादर वहां रहने चले गए थे। वो लड़का 2 लैंग्वेज जानता था, तमिल और अंग्रेजी, वो हिंदी नहीं बोल पा रहा था लेकिन एक्सेंट से पता चलता था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं तो वहां का हूं लेकिन मैं पैदा यहां हूं, तो मुझे 2 ही लैंग्वेज आती, तमिल और इंग्लिश। कहने का मतलब ये कि इकोसिस्टम आपको सीएस सिखा देता है, तो उसमें दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ को, दोनों एफर्ट करें और ढूंढ ढूंढ को लेके आए तो ज्यादा काम हो सकता है। सत्येंद्र जी मेरे ख्याल से आप तक आ चुके होंगे। क्षमा चाहूंगी, आई थिंक उनके यहाँ बिजली की थोड़ी दिक्कत हो गई है। नो प्रॉब्लम, तो हम लोग इसको समप करते हैं। ये पूरी चर्चा का जो मकसद है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में, ट्राइबल इलाकों में बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं जिनको उभार के आगे लाना है, तो लैंग्वेज एक समस्या नहीं होनी चाहिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो प्रॉब्लम है। जबकि मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश एक वर्किंग लैंग्वेज है और बहुत जरूरी है, आप आगे बढ़ते तो आपको ये काम आती। लेकिन जो भी अनुराधा जी ने बात कही ना कि 1 करोड़ लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते, लेकिन 50 जो पी फंड है वो हिंदी सीख सकते हैं,
क्योंकि उनको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है रादर उस एंटरप्रेन्योर से, तो उसको किया जा सकता है। और ये लैंग्वेज एक ब्रिज का काम करती है जिसको दोनों साइड से बनाया जाता है, जिसमें कि आशुतोष जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो इकोसिस्टम के लिए लोगों को तैयार करें, उनको बताएं और आराम से इसको सीखा जा सकता है। अब वो एक मुझे फिल्म याद आ रही एक दूजे के लिए, उसमें दो डिफरेंट लैंग्वेज लोगों के बीच में प्यार हो सकता है तो बिजनेस क्यों नहीं हो सकता, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल में इस चर्चा का बड़ा अच्छा नतीजा ये है कि आविष्कार के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो कि खुद चीख के कह रहा है कि मुझे खरीदो, तो अनुराग जी जरूर खरीदेंगे, तो इसलिए कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस पूरे सेशन का ये एक संदेश है कि लेना चाहिए, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है कोई आपको रोक नहीं सकता। नैन्सी जी ओवर टू यू। धन्यवाद विनीत जी। आई थिंक काफ़ी पहली बार हमने भी हिंदी में एक सेशन होस्ट किया है, तो ये भी एक हमारी कोशिश थी कि हम सतेंद्र जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ लेके आए और ऐसी चर्चा करें जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। और आई थिंक हमारे लिए आशय और हमारे लिए जब हम सोच रहे थे कि इस सेशन का एक एक आउटकम क्या हो सकता है, तो ये था कि क्या इस चर्चा से कुछ ऐसा आइडिया स्पार्क हो कि हम सब मिलके कोई एक इनिशिएटिव, एक मार्केटिंग कैंपेन, जैसे काफी सारे लोग स्लोगन्स तो आई थिंक आज ही निकल के आए हैं, जैसा भी कुछ क्या हम आगे मिलके इस पर कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल आप सबके साथ टच में रहेंगे और होपफुली हम इस बारे में कुछ मिलकर एक्शन भी लें और अगले संकल्प में हम उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए मिले, ये हमारी होप है। और जब आगाज इतना अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, ऐसी हम सभी उम्मीद कर सकते हैं। और जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम सिर्फ हिंदी तक नहीं सीमित रह जाएं, इसको और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ले जाना। एक जो हिंदी बेल्ट है हमारी, जो यूपी बिहार और दिल्ली और यहाँ से नॉर्थ से शुरू होती है, उसके आगे बढ़ना शायद संकल्प को भी उन क्षेत्रीय जगहों पर ले जाना एक एक हमारी ये भी शायद एक पहल होनी चाहिए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे इतना कुछ सीखने को मिला, आप सबके काम के बारे में हमें इतनी जानकारी मिली। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरफ से इस एक पहल पर काम कर रहे हैं, जागृति यात्रा है, अनलिमिटेड है, मल्टीभाषी है, और अनुराग जी अपने आविष्कार के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स का एक के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। नीरज जी आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि आप इन सभी कड़ियों को मिलाते हैं और उन्हें कंज्यूमर तक ले जाते हैं, जो कंज्यूमर शायद जैसे आप लोग कह रहे थे कि जो शायद इंग्लिश नहीं समझते हैं और उन्हें भाषा का जो जो बिजनेस का ज्ञान है लेकिन फिर भी वो मिलना चाहिए ताकि वो उनसे वंचित ना रह जाएं। अंत में आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सभी श्रोताओं का भी, आप यहाँ पे आए हमारे साथ इस वार्ता में जुड़े, इसके लिए अनेकों धन्यवाद। उम्मीद है कि आपसे फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी, बहुत धन्यवाद। आई थिंक आई एम श्योर आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पैनल, ये बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत मजेदार रही और आई थिंक हम सब ने कुछ सीखा, सो बहुत शुक्रिया आपको हमें बुलाने के लिए। थैंक यू अंशु, धन्यवाद नीरज जी आल्सो फॉर अ वेरी गुड मॉडरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद नैन्सी, धन्यवाद आशय आपका भी। थैंक यू आशुतोष जी, नीरज जी बहुत धन्यवाद, अनुराग जी थैंक यू, अंशु जी, राधा जी थैंक यू सो मच, सभी का साथ लोगों का इतना अच्छा सेशन आपने किया और ये बहुत जरूरी है, मुझे हमेशा लगता है कि जो बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए जी, इसको हमको सीएनबीसी आवाज में भी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट मैं एक शो रोज होस्ट करता हूँ जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इशू, अभी मैंने एक हिंदी पे ही शो किया था, हिंदी दिवस जो होता है 14 सितंबर को, एक घंटे का मैंने शो किया था सिर्फ इस बात पे कि हिंदी बाजार में हिट है, ये मेरा टाइटल था शो का,
और मैंने उसमें ऐसे ही लोगों को बुलाया था जिन्होंने अपनी बहुत हाई क्लास की नौकरी छोड़ के हिंदी को अपनाया और बहुत पैसे कमा लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि वो राइटर बन गए हैं, वो नॉवेल लिख रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं और आईआईटी आईएम करके जॉब छोड़ के आए। तो हिंदी या वगैरह में भी तो ज्यादातर लोग तो बिहार और राजस्थान कोटा से ही पहुंचते हैं। नो आईआईटी है नहीं रहती आशुतोष जी और हम आई थिंक आइडिया इज इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, आइडिया इज इम्पोर्टेंट। आइडिया अच्छा है तो बिक जाएगा। बिल्कुल सही बात है।